जो मौजूदा विधायक है दोनों चोर हैं, बीजेपी और कांग्रेस। हाँ दोनों चोर हैं ये, क्योंकि इससे पहले तो कांग्रेस भी वाले भी थे यहाँ पे। हाँ जब दोनों चोर हैं ये। अच्छा जी। इनने किसी का काम मना करा के दिया। हाँ। ये तो दोनों इन ऐसा काम कर हल्का इन बन रहा हो। अच्छा, स्कूल कॉलेज का क्या हाल है यहाँ पे? बच्चों की पढ़ाई खोल रखा, बस वो देन लाग रहा, एम्बुलेंस लगा रहा है, बेंच दे रखे है उन्हें। नहीं, वो 10 साल करके चले गए, कोई काम नहीं करे। हम भी बीजेपी के आदमी थे, हम के बीजेपी के ना थे भाई, गरीब के ना काजान जीतेंगे। मैं भी खुद काजान। बीजेपी कांग्रेस का क्या होगा? जो हो जाएगा होगी तो हो जाएगा, हमने क्या लेना देना। ये दोनों दोस्त हैं, ये इन दोनों चोर हैं। हाँ, इन चोर नाड़ी तो बताऊंगे। हरियाणा की 90 सीटें और 90 सीटों में से एक सीट है गुन्नौर विधानसभा, जहाँ पर हम पहुँचे हैं अभी। इससे पहले जब हमने आपको वीडियो दिखाई थी तो हमने बताया था कि हम राय विधानसभा में हैं। राय से जस्ट लगी हुई है ये गुन्नौर विधानसभा, गाँव में हम पहुँचे। अगर पीछे मेरा एक धर्मशाला है और ये धर्मशाला गांव के किसी भी आदमी के लिए, बाहर से भी अगर कोई सफ़र करने वाला कोई आता है, मुसाफिर आता है, तो उसके रुकने और बैठने का पर्याप्त यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। गांव के बुज़ुर्ग और गांव के बाकी लोग यहाँ पर बैठकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, बातचीत होती है, कुछ पंचायती तरीके से अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग। आज गुन्नौर विधानसभा में क्या चल रहा है, किसका जोर चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस या फिर निर्दलीय उम्मीदवार या जेजेपी, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा बना हुआ, उसके बारे में बातचीत करेंगे थोड़ा। सज्जन कुमार भाई सब, क्या चल रहा है यहाँ पे, किसका जोर चल रहा है, कौन से कैंडिडेट जो है? बीजेपी के भी है भाई, कांग्रेस का भी है, लेकिन इसका यू जो है निर्दलीय उम्मीदवार है देवेंद्र कादयान, इसका जोर है। अच्छा भाई साहब, एक बात बताओ, वोट किन मुद्दों पे दे रहे हो आप यहाँ पे, मतलब क्या है? सेवा कर रहा है 10 साल से। क्या कर रहे हैं थोड़ा बता दो। एम्बुलेंस लगा रहा है, बेंच दे रखे है उन्हें। अब पिछले जो विधायक जो रहे अभी भी उन्होंने? नहीं, वो 10 साल करके चले गए, कोई काम नहीं करे उन्हें। अच्छा, मतलब काम नहीं किया इसलिए बदलाव की बयार आ रही है। बदलाव की। अच्छा जी, चलो और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आता हूँ राम राम। क्या हाल है? बढ़िया भाई। नाम क्या? आता हूँ रणबीर सिंह है जी। तो क्या मुद्दे चल रहे हैं यहाँ पर विधानसभा पे, किसका ज्यादा जोर चल रहा है थोड़ा ये बताओ? काजान का चल रहा है भाई। अच्छा, किस बेस पे चल रहा है? काम ज्यादा कराए हैं या मौजूदा विधायक ने काम नहीं कराए, क्या ऐसी? दोनों जो मौजूदा विधायक है दोनों चोर हैं, बीजेपी और कांग्रेस। हाँ दोनों चोर हैं ये, क्योंकि इससे पहले तो कांग्रेस भी वाले भी थे यहाँ पे। हाँ जब दोनों चोर हैं ये। अच्छा जी। इनने किसी का काम मना करा के दिया। हाँ हाँ, और थोड़ा चोखा काम कर रहा है काजान। अच्छा, इसकी वोट देंगे भाई। अच्छा, यहाँ पे जिस धर्मशाला पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ बेंचे लगी हुई हैं बैठने के लिए, अंदर और बाहर। हाँ। ये यहाँ के लोग कि ये सब जो है कादयान, देवेंद्र कादयान ने यहाँ पे लगवाई है बैठने। कादयान ने दे रखी है। हाँ। जो कर बार है ऑरेंज कलर वाली। ठीक है, ये दे रखे है। एम्बुलेंस का है भाई, कोई बीमार हो जाए, कोई उसका ब्याह शादी में किसी की में, और ये दोनों एमएलए है ना, ये तो किसी का दान भी ना गालन आते। ये तो दोनों इन ऐसा काम कर रखा था हल्का इन बन रहा हो। अच्छा, स्कूल कॉलेज का क्या हाल है यहाँ पे? बच्चों की पढ़ाई उसने अंदर एजुकेशन खोल रखा, बस वो देन लाग रहा। अच्छा, गन्नौर में फ्री कोचिंग देन ला रहा बड़का है, फिर और एमएलए जितना का काम उन्हें कर दिया, फिर क्यों ना दे वोट भाई। मतलब सबसे नंबर वन पे वो ही कादयान साहब। कादयान है। रोजगार का क्या हाल है चाचा यहाँ पे, नौकरी वोकरी का क्या हाल है? रोजगार ठीक है। हाँ, हम भी बीजेपी के आदमी थे। अच्छा, हम के बिना बीजेपी के ना थे भाई, गरीब के ना कादयान जीतेंगे। सिर्फ नीतियों से खिलाफ हुए आप, जो काम नहीं करवाया। हाँ, इनकी नीतियाँ के खिलाफ है बीजेपी वालों की। ना बीजेपी वाले तो नहीं है। हाँ। ये जो कैंडिडेट आ रहे हैं, हम इनके खिलाफ है। अच्छा, मतलब तो, पार्टी से कोई आपका वो नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट से है। इन कैंडिडेट का है। अच्छा हाँ, इसलिए आप इस बार बदलना चाह रहे हैं? बदलना चाह रहे हैं इन। ये दोनों दोस्त हैं, ये इन दोनों चोर हैं ये। अच्छा हाँ, इन चोर नाड़ी तो बताऊंगे, यो मकसद है। अच्छा, धर्मशाला में यहाँ पे हम बैठे हुए हैं चाचा, ये किस लिए बनाइए थोड़ा इसके बारे में? ये तो बैठने उठने के लिए, कोई बाहर का आदमी आ जाए भाई, और कोई आ जाए तो गांव ने बना रखे है। अच्छा, रात ने को ठहर जा, ठहर सकता है। हाँ, कोई भी ठहर सकता है। हाँ, खाद्यान्न भाई पूरा। अच्छा, मैं भी खुद खाद्यान्न का हूँ। अच्छा, और बीजेपी कांग्रेस का क्या होगा? होगा जो हो जाएगा, होगी जो हो जाएगा। अच्छा, हमने क्या लेना देना उससे? तो
बात है कि यहाँ पर जो विधायक प्रत्याशी उसका ज्यादा जोर चल रहा है क्योंकि वो काम करवा रहे हैं, लोगों ने बताया। चाचा कुछ कहेंगे आप इसके बारे में, थोड़ा बोलो कांग्रेस बीजेपी कुछ तो। चलिए बहरहाल यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और भी लोगों से बातचीत करवाते। ताऊ कुछ बोलोगे आप? सारे कादियान के। ओहो, यहाँ पता लगा धर्मशाला में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ज्यादातर कादियान को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने जो है स्कूल कॉलेज पे ध्यान दिया है। धर्मशाला यहाँ पे बेंचे हैं, पढ़ाई है और बाकी तमाम चीज़ें सुख दुख के साथ ही जो है कादियान बने रहे, ये इन लोगों का कहना है। अब देखना होगा कि गन्नौर विधानसभा में एक निर्दलीय अपनी सीट जीत पाता है, कांग्रेस और बीजेपी पीछे रहेंगे, ये तमाम चीज़ें आपको 5 तारीख के बाद में क्लियर हो जाएगी। हरियाणा के गन्नौर विधानसभा से नव नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी।